बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल बुलेट एंड फिटनेस में। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है मेरे चैनल को उनको तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है वो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज मैं आ पहुँचा हूँ एक बाइक का रिव्यू के लिए, जो कि बाइक का नाम है BMW 310 GS, और इसका डिटेल रिव्यू स्पेसिफिकेशन सभी आपको जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहे और आगे शेयर जरूर करें वीडियो को। स्वागत करते हैं इस बाइक के रियल ओनर का मिस्टर सुबोध, और सारा का सारा स्पेसिफिकेशंस और इस बाइक का जानकारी उन्हीं से डायरेक्टली लेते हैं इस वीडियो में। तो हेलो सुबोध जी, हाउ आर यू? फाइन, और बता सब बढ़िया? सब बढ़िया बढ़िया। तो इस बाइक के बारे में हमारे व्यूअर्स को आप जरूर को पहले तो आप व्यूअर्स को नमस्कार बोल दीजिए हमारे व्यूअर्स को। और आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए बुलेट एंड फिटनेस को, ठीक। चलिए तो डायरेक्टली हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने व्यूअर्स का हम बाइक पे ही अच्छा डायरेक्टली आ जाते हैं। तो ये तो भाई जो लोगो है अपना BMW का, तो आधा तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल आधा जैसे कि जब मैं यहाँ पे इस वीडियो बनाने के लिए आ रहा था इनके साथ भैया के साथ, तो मतलब पेट्रोल पंप में हमने तेल लिया और रास्ते में भी जब हम लोग चल रहे थे तो आधा से ज़्यादा लोगों का भीड़ का नज़र इसी बाइक पे था। तो पैसा वसूल तो उसी टाइम पे हो जाता है जब लोग इसको मतलब रुक करके देखते हैं। एक्चुअली इस बाइक का सबसे बड़ा जो खूबी है इसका जो हाइट है वो नॉर्मल बाइक के कंपेरिजन में कुछ ज़्यादा है, तो ये एक अलग इम्पैक्ट बनाता है लोगों के बीच में कि ये बड़ी बाइक है। और दूसरा BMW का लोगो तो एक अलग इम्पैक्ट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, सभी लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से भी थोड़ा लोग दिलचस्पी लेते हैं इसको देखने में, तो एक मेन रीज़न है। आप देख सकते हैं कि मेरा खुद का हाइट जो है 170 सेंटीमीटर है, तो और इसका जो हैंडल है वो कहाँ तक आ रहा है, इट्स लाइक मीन्स जस्ट बिलो माई नेक एरिया। तो काफ़ी ज़्यादा हाइट का बाइक है ये, और टंकी भी करीब यहाँ पे मेरे स्टमक के ऊपर तक आ रहा है, चेस्ट एरिया तक। तो छोटे हाइट वालों के लिए तो थोड़ा मुश्किल होगा ये चलाने के लिए। होता है, मैं 5.9 हूँ, फिर भी मतलब कि पैर में थोड़ा रखने में दिक्कत होता है, हाइट का तो इश्यू है। अगर जो कम हाइट वाले उनको तो काफ़ी दिक्कत होने काफ़ी प्रॉब्लम होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले आप। क्या है ग्रॉस वेट इसका? 125 का वेट में आता है, मतलब कि बाइक का केवल वजन, और साथ में अगर आप दो लोग बैठते हैं तो वही 345 तक का इसका है। हाँ, और इसमें फ्यूल टैंक का कैपेसिटी क्या है? फ्यूल टैंक का कैपेसिटी इसका 11 लीटर दिया, जो कि काफ़ी कम है जिस टाइप की बाइक है उसके हिसाब से, थोड़ा तो ज़्यादा देना चाहिए था। बट 11 लीटर आप अगर कहीं टूर पे जा रहे हो तो आपको एक अलग से कैरी करना पड़ सकता है। वैसे फ्यूल टैंक कैपेसिटी की जब बात की जा रही है तो मैं इसके माइलेज के बारे में भी पूछना चाहूँगा आपसे कि ये हमारे व्यूअर्स को दोनों माइलेज के बारे में बताइएगा इस बाइक का, जो कि है आपका विद इन सिटी और हाईवे पे क्या इसका माइलेज है? विद इन सिटी आपका 25 to 28 के आसपास है, और हाईवे पे आपका 32 to 35। डिसेंट एक माइलेज यहाँ पे है इस बाइक को, इस बाइक का देखने को हमें मिल जा रहा है कि 30 ऑन एन एवरेज अगर ये माइलेज दे रही है बाइक, तो इट्स वर्थ इट एक्चुअली। काफ़ी अच्छा है, ख़राब नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये बाइक है इसका पावर है, और इसका बाइक का अगर स्पेसिफिकेशन का बात किया जाए तो मुझे इसमें जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये है कि इसका सस्पेंशन, आप अगर आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं, हाईवे वगैरह पे हैं, तो आपको एकदम इतना कंफर्ट है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, जो चलाएगा वही जान सकता है। बिल्कुल, अभी जब हम कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। हम लोग जब अभी आ रहे थे तो समझ में आ रहा था, क्योंकि इस रोड में आने में काफ़ी ज़्यादा जर्क्स है, तो जर्क्स को एकदम बढ़ाएं स्मूथली तरीके से, इट्स लाइक फ्लोइंग इन द वाटर, फ्लोइंग इन द रिवर, मतलब एकदम स्मूथली तरीके से वो निकल जा रहा था वो जर्क्स है। और इसका आप देख पा रहे होंगे बाइक को, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से आपको जर्क्स वगैरह, या ऑफ रोडिंग बाइक करते हैं या फिर आप कहीं ऑफ रोड गए हैं टूर वूर पे, तो वहाँ पे आपको किसी तरह से दिक्कत नहीं होने वाली इस बाइक को लेकर के। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो कि हमारे चैनल पे आए और अपना कीमती समय निकाल करके जो कि इस वीडियो, इस बाइक का वीडियो के लिए स्पेसिफिकेशन एंड रिव्यू के लिए आप हमारे लिए जो कि समय दिए। तो आपका बड़कपन है कि आपने हमें बुलाया। चलिए थैंक यू सो मच। और कुछ अभी वीडियो ख़त्म नहीं होगी तो और कुछ बाइक का जो है मतलब वीडियोज़ है, वॉक अराउंड वीडियो, सारा कुछ इसका टायर्स एंड ऑल आप जरूर देखें और इंजॉय करें वीडियो को। इस बाइक का ये रेडिएटर है, जैसे कि आपने देखा होगा बड़ी बड़ी गाड़ियों में, फोर व्हीलर्स में रेडिएटर होता है, वैसे ही इस बाइक में भी रेडिएटर है, और इंजन का एक्सेसिव हीट हो जाने से ये रेडिएटर ऑटोमेटिक जो कि है चालू हो जाता है और इंजन को कूलिंग प्रदान करता है। इस बाइक में हैवी ड्यूटी शॉक एब्जॉर्बर्स लगे हैं दो, जो कि रोड्स के जर्क्स को ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये बाइक मोनो सस्पेंशन के साथ आती है, सिंगल सस्पेंशन है, और जो इस बाइक का फ्रेम है वो भी काफ़ी मजबूत है। ऐसा फ्रेम आपने देखा होगा डुकाटी वगैरह बाइक में, इस तरह का फ्रेम, सेम फ्रेम रहता है बाइक्स में।
और जब रियर टायर की बात की जाए तो ये काफ़ी वाइड टायर है इसमें, और ये दो जो दोनों टायर्स में जो कि है आपका डिस्क ब्रेक्स है, और हाइट जो टायर का है टू मतलब कि सीट के ऊपर से देख सकते हो आप कितना ज़्यादा गैप है, ये मेरे हाथ से भी ज़्यादा है, करीब 1 फुट का गैप है टायर्स और सीट के बीच में।